हेलो एवरीवन वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल दिस इज़ डॉक्टर मयंक एंड आज के इस वीडियो में हम टॉप फार्मेसी गवर्नमेंट कॉलेजेस इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज़ देखेंगे जैसे कि काफ़ी लोगों मेरे से मैसेज कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं लाइक प्लीज़ सर शेयर द लिस्ट ऑफ कॉलेज इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी जो गवर्नमेंट हो जहाँ पर हम डी फार्मा बी फार्मा एम फार्मा पी तक एडमिशन ले पाएँ तो आज की लिस्ट में आप वो सारी चीज़ें देख पाएंगे उससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो सो यू जस्ट ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप एंड कंफर्म योर फार्मेसी रिलेटेड डाउट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लास्ट में लाइक करना अगर इंफॉर्मेशन अच्छी लगे तो तो आज की लिस्ट में जो पहली यूनिवर्सिटी है दिस इज़ इन लखनऊ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है बहुत ही अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे सिर्फ बी फार्मा नहीं है एम फार्मा और पीएचडी के कोर्सेज चलते हैं पॉसिबली डी फार्मा और बी फार्मा भी इसमें जल्दी ही आ जाए मगर अभी अगर आपको एडमिशन लेना है तो एम फार्मा एंड पीएचडी आर द करंट रनिंग कोर्सेज इन दिस सेंट्रल यूनिवर्सिटी द नेक्स्ट इज द बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी इट इज अ स्टेट यूनिवर्सिटी स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और यहाँ पे आपको जो कोर्सेज मिलेंगे विच इज़ द ग्रेजुएशन विच इज़ अ बी फार्मा और एम फार्मा कोर्स तो एम फार्मा के दो ब्रांच मिलेंगे और बी फार्मा भी यहाँ पे अवेलेबल है इसके खुद के एग्ज़ाम होते हैं उसके थ्रू आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं नेक्स्ट इज द चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ के अंदर है यहाँ पे आपको बी फार्मा एम फार्मा डिप्लोमा नहीं मिलेगा बट एम का एक कोर्स मिलेगा जो कि पी भी है ऑप्शन विच इज फार्मास्यूटिकल टॉक्सिकोलॉजी तो कुछ लोग होता है जो टॉक्सिकोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी देख रहे हैं वो यहाँ पे ऑप्शन चूज कर सकते हैं एमएससी एंड पी एच डी बट दीज आर नॉट पी सी आई रिलेटेड कोर्सेज उसके बाद जो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है विच इज छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी दिस इज इन कानपुर और अभी तक की लिस्ट में मैं बोलूंगा दिस इज वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी यहाँ पे कोर्सेज एकेडमिक स्टाफ फैकल्टीज रिसर्च एटमोसफेयर इज वेरी गुड क्यों क्योंकि यहाँ डी फार्मा भी है बी फार्मा भी है एम फार्मा के भी कोर्सेज हैं और पी एच डी इन फार्मास्यूटिकल साइंसेस भी ये डिग्री दे रहे हैं दैट मीन्स दिस इज ओवरऑल द बेस्ट प्लेस फॉर ओवरऑल फार्मेसी कोर्सेज द नेक्स्ट इन द लिस्ट इज द डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ये आगरा में है तो जो आगरा में अगर पढ़ने के लिए सोच रहे हैं ग्रेजुएशन करने के लिए सो सिर्फ बी फार्मा आप यहाँ से कर सकते हैं उसके अलावा इसके अंदर और कोई फार्मेसी का कोर्स नहीं है द नेक्स्ट इन द लिस्ट इज द उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा सो so ऐसे नाम से ही लग रहा है दिस इज अ वेटनरी कॉलेज यहाँ पर बी एमवीएससी एस के कोर्सेज चलते हैं बट पी एच डी इन वेटनरी फार्माकोलॉजी एंड टक्सिकॉलॉजी चलता है दैट इज वाई आई हैव इंक्लूडेड

और पी से अप्रूव्ड नहीं है सिर्फ बी फार्मा यहाँ पे चलता है आई से अप्रूव्ड कोर्स है गुड यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ स्टेट यूनिवर्सिटी है एम एस सी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है सेल फाइनेंस है डी फार्मा भी मिलेगा बी फार्मा भी मिलेगा और एम फार्मा पी एच डी के लिए अभी प्रपोज है बहुत ही जल्दी आ जाएगा इसका फॉर्म निकलता है एग्जामिनेशन होता है सी यू टी से भी सीट्स है सो दिस इज़ अ बेस्ट प्लेस आई कैन से बिकॉज इस यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं और ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है कंपेयर टू अदर स्टेट यूनिवर्सिटीज इन उत्तर प्रदेश ना अगेन आई कैन से बिकॉज दिस प्लेस इज माई होम टाउन बरेली महात्मा ज्योतिबा फुले रोहेलखंड यूनिवर्सिटी फार्मेसी के अंदर ये बहुत ही पुरानी यूनिवर्सिटी है बहुत पहले से इसमें कोर्स चल रहा है एंड द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी इज वेरी गुड इन दिस यूनिवर्सिटी सी के थ्रू एडमिशन होगा यहाँ पे बी फार्मा के कोर्सेज हैं एम फार्मा के कोर्सेज हैं एंड पी भी स्टार्ट है तो आप सोच सकते हो कि रिसर्च का लेवल इज वेरी गुड इन दिस प्लेस द नेक्स्ट इज द नाइपर इसके बारे में तो कुछ बोलने से फायदा ही नहीं बिकॉज नाइपर जो होते हैं दीज आर द बेस्ट इन फार्मास्यूटिकल साइंसेज ये फार्मेसी के लिए ही होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर इनको फंड करता है तो इनके पास फंडिंग बहुत अच्छी होती है बट ये बी फार्मा और डी फार्मा नहीं चलाते ओनली एमएस इन फार्मेसी और पी एच डी के कोर्सेज सो दिस इज द बेस्ट प्लेस इसका ये खुद का एग्जामिनेशन होता है नाइपर जे डबल ई उसके थ्रू आपको यहाँ पे एंट्रेंस मिलेगा द नेक्स्ट इन द लिस्ट इज द इलाहाबाद श्वेट्स इलाहाबाद शैम हैमिंग बॉटम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी देखिए नाम तो है एग्रीकल्चर मगर आपको यहाँ डिप्लोमा और बी फार्मा मिलेगा ये 1910 की यूनिवर्सिटी है पहले इसको इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट बोलते थे तो अभी ये श्वेट्स है बहुत पुराना है यहाँ बी फार्मा और डिप्लोमा के कोर्स मिलेंगे कोई इलाहाबाद से करना चाह रहा हो सो दिस कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन ट्वेल्थ इन द प्लेस इज द स्टेट यूनिवर्सिटी विच इज़ अ वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर के अंदर है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बी फार्मा का कोर्स है बहुत ही पुराना है यू से एडमिशन होगा पढ़ाई का लेवल ओके है सो इट इज़ अ गुड ऑप्शन इन स्टेट यूनिवर्सिटी नेक्स्ट इन द लिस्ट अगेन द बनारस यूनिवर्सिटी ये है डिपार्टमेंट ऑफ़ फार्मासूटिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सो आईआईटी बीएचयू के अंदर है ये डिपार्टमेंट एंड दिस इज़ वन ऑफ द यूनिक प्लेस फॉर फार्मेसी बिकॉज यहाँ पर बी फार्मा डी फार्मा नहीं है यहाँ आपको मिलेगी बी टेक चार साल का कोर्स और फार्मेसी की डिग्री यानी बी टेक इन फार्मेसी और उसके बाद आपको मिलेगा एम फार्मा एंड पी एच डी यहाँ हर लेवल की फंडिंग है बिकॉज इनको आई से भी फंडिंग आती है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी से भी सेंट्रल गवर्नमेंट से भी सो दिस इज द बेस्ट प्लेस यहाँ प्रोजेक्ट्स हैं फंड्स है रिसर्च का एटमोस्फेयर है हर लेवल के इंस्ट्रूमेंट हैं सो यहाँ ये और एक ये यूनिक कोर्स है बी टेक इन फार्मेसी द नेक्स्ट इज अगेन द मेडिकल कॉलेज ये कानपुर में है जी एस पी एम मेडिकल कॉलेज यहाँ पे है डी फार्मा देखिए डी फार्मा मेडिकल कॉलेज से करना अच्छा रहता है बिकॉज वहां पे आपको एक्सपोजर मिलता है डॉक्टर्स मिलते हैं पेशेंट्स मिलते हैं ट्रीटमेंट मिलता है चीज़ें देखने को मिलती हैं सो डी फार्मा कैन ऑप्ट विद एनी मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सो अगेन द डी फार्मा बट दिस इज़ फ्रॉम द गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलीटेक्निक इलाहाबाद सो ये पॉलीटेक्निक के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं वहाँ पर डिप्लोमा आपको मिलेगा यू कैन ऑप्ट फॉर दिस अगेन द डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्राम गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक जौनपुर के अंदर है यहाँ से भी आप कर सकते हैं ये गवर्नमेंट का है उसके बाद अगेन डी फार्मा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखीमपुर खीरी सो so ये लिस्ट आप सेव कर लीजिएगा सब कुछ शेयर कर दीजिएगा बिकॉज लोगों को नहीं पता होता वो प्राइवेट में एडमिशन ले, ले लेते हैं अंदर रेट ऑफ द कोर्स इज वेरी हाई नाउ द कुनाल कॉलेज ऑफ फार्मेसी आगरा के अंदर है यहाँ पे भी आपको डी फार्मा मिलेगा और ये सेफई के अंदर जो है दिस इज अ वेरी गुड फार्मेसी कॉलेज ये मेडिकल कॉलेज भी है यहाँ पे यहाँ आपको बी फार्मा मिलेगा एंड कंपेयर टू अदर कॉलेजेस ये कॉलेज फार्मेसी के लिए बेस्ट है एल आर आर एम मेडिकल कॉलेज ये मेरठ के अंदर है यहां पर भी आपको क्या मिलेगा डी फार्मा जितने मेडिकल कॉलेज होंगे वहां आपको बी फार्मा नहीं मिलेगा सिर्फ डी फार्मा मिलता है एंड डी फार्मा इज बेस्ट इन मेडिकल कॉलेज कंपेयर टू अदर पॉलीटेक्निक कॉलेजेस द लास्ट पेज प्रोफेसर राजेंद्र सिंह राजू भैया यूनिवर्सिटी ये स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है मगर ये कोर्स जो है पी सी आई से अप्रूव नहीं है बी एस सी फार्मास्यूटिकल साइंसेज है तो आप ऑप्ट कर सकते हैं बट आई डोंट थिंक बिकॉज ये अप्रूव्ड नहीं है क्योंकि ये बी एस सी है got it? जो लास्ट है श्री राम देवी राम दयाल त्रिपाठी महिला पॉलिटेक्निक, ये भी कानपुर के अंदर है ये भी डी फार्मा आपको मिलेगा सो दिस इज द एंड ऑफ द लिस्ट ऑफ द कोर्सेज जो कि गवर्नमेंट हैं फार्मेसी के कोर्सेज हैं इधर डिप्लोमा बी फार्मा एम फार्मा पी एच डी एम एस सी बी टेक सारे कोर्सेज कवर किए हैं मैंने आई होप ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी लाइक like जरूर की दीजिएगा जाने से पहले और सब कुछ शेयर कर दीजिएगा और अगर इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो टेलीग्राम ग्रुप पे आप उससे पर्सनली पूछ सकते हैं बिकॉज आई एम अ फार्मेसी प्रोफेशनल आई कैन प्राउडली से दैट आई एम अ फार्मेसी प्रोफेशनल थैंक यू हैव नाइस डे